गाइस स्वागत है आप सभी का 7th एनिवर्सरी स्पेशल हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है 7th एनिवर्सरी का इंटरफेस भी आ चुका है और इवेंट भी चल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को प्रीमियम मैजिक क्यूब नहीं मिला है। सही कह रहे हो सर आप। और ग्रैंड वालों ने यहाँ पे हमारे अपकमिंग 7 डेज के इवेंट कंफर्म किया है, लेकिन लास्ट के दिन क्या हम लोग को मैजिक क्यूब फ्री में मिलेगा या फिर कौन सा मिस्टीरियस इवेंट होने वाला है जो कि 7 तारीख को एनिवर्सरी के पिक डे के दिन देखने के लिए मिलेगा। गुड क्वेश्चन। तो बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, आज की वीडियो आप लोग को बताना रहा हमारे इंडिया सब आप लोग को कब और कैसे फ्री में मैजिक क्यूब मिलने वाला है। बस इतना ही नहीं, आप लोग की न्यू स्काइविंग स्किन इवेंट, न्यू प्रोफाइल एनिमेशन, न्यू टोकन विल इवेंट, न्यू इवो वोल्ट एंड और भी काफी सारे नए अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट के बारे में आज की वीडियो आप लोग को बताने वाला हूँ। और टोनल अपडेट, आप लोग के कुछ लकी एंड इंपोर्टेंट कमेंट्स एंड और भी काफी सारी नई अपडेट्स आज के वीडियो में होने वाले। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखते रहना। पर अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, इसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो अगर आप लोगों ने दोनों काम मेरे लिए कर दिया तो बिना किसी देर के, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम इस तरह बात करेंगे सबसे पहले टुनाइट अपडेट के बारे में। तो कल आप लोग हमारे इंडिया सब बॉय पास स्पेशल टोकन विल इवेंट, न्यू बॉय पास, आप लोग का न्यू रैंक सीजन एंड और भी काफी सारे न्यू इवेंट्स स्टार्ट होने वाले, फ्री के इवेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप लोग को जानना है तो मैंने सुबह की वीडियो में बता दिया था, आप लोग इस वाले लकी विल इवेंट वाले वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हो या फिर मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके देख सकते हो। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की 2 तारीख को आने वाले न्यू इवेंट के बारे में, यानी कि आप लोग के नेक्स्ट इवेंट के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप की से इवो पैराफल स्पेशल आप लोग हमारे इंडिया सब नेक्स्ट इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें गाइस आप लोग हमारी एक्समेट एंड क्रोजा की गन स्किन एज इट इज ऐसे कैसे रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे आप लोग की और 2 न्यू गन स्किन ऐड की जाएगी, जहाँ पे आप लोग हमारी पैराफल स्पेशल एक यहाँ पे योगन देखने के लिए मिल जाएगी जो कि OB45 स्पेशल होने वाली है। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आप लोग हमारी 5th एनिवर्सरी स्पेशल M1887 की योगन स्किन भी रिटर्न में देखने के लिए मिलेगी। यानी गाइस अगर आप लोग को इवो पैराफल या M1887 में से कोई भी गन स्किन निकालना है तो लगभग आप लोग पास 2 महीने का टाइम रहने वाला है इन गन स्किन को निकालने का, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे एक्समेट एंड क्रोजा की गन स्किन निकालनी है तो लगभग 1 महीने का टाइम रहेगा आप लोग को इन दोनों गन स्किन का निकालने का। बाकी 2 गन स्किन यहाँ पे आप लोग के रिमूव की जाने वाली आने वाले नेक्स्ट इवोल्ट में। तो कुछ इस टाइम से आप लोग हमारे इंडियन सर्वर इवो पैराफल स्पेशल नेक्स्ट इवोल्ट इवेंट देखने के लिए मिलेगा जो कि 2 तारीख को आप लोग हमारे इंडियन सर्वर देखने के लिए मिलने वाला है। और ये जो इवोल्ट है ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं, तो काफी बढ़िया आप लोग यहाँ पे इस बार इवो पैराफल की OB45 स्पेशल नई गन स्किन देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग के पैराफल स्पेशल फाइनल शॉट इवेंट के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे इंडियन सर्वर आए हुए इवेंट से 3 देने के लिए आप लोग को पैराफल स्पेशल फाइनल शॉट क्लेम करने के लिए मिल चुका होगा, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं इसे कैसे यूज करना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गेम में पहले भी आप लोग हमारी सुपर योगन M1040 के फाइनल शॉट के साथ ही सुपर यो MP40 का भी फाइनल शॉट देखने के लिए मिला है। एंड ग्रन वालों ने इस बार हमारे पैराफल के फाइनल शॉट को अलग से डाला है ताकि गाइस आप लोग को बता सके कि अब से गाइस जो आप लोग को आने वाले फाइनल शॉट देखने के लिए मिलेंगे वो आप लोग को योगन के साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब आप लोग चाहो तो बिना योगन के भी फाइनल शॉट को यूज कर सकते हो, मतलब कि गाइस आप लोग को पता है 3 तारीख को हमारे इंडिया सेपर आने वाले इवेंट में पैराफल स्पेशल आप लोग को योगन देखने के लिए मिलेगी और 4 तारीख को आप लोग हमारे इंडिया सेपर किसी इवेंट से फाइनल शॉट क्लेम करने के लिए परमानेंट मिलने वाला है। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी कि गाइस आप लोग के नेक्स्ट टोकन विल इवेंट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आप लोग के लिए कुछ इस टाइप का टोकन विल इवेंट निकल कर आ रहा है एनिवर्सरी स्पेशल, जिसमें गाइस आप लोग को एनिमो स्ट्रोमर वेलकम बंडल देखने के लिए मिलने वाला है जो कि काफी अच्छे खासे एनिमेशन एंड इफेक्ट साथ आप लोग को दिया जाता है। इसमें आप लोग को 2 स्पेशल इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग को इसमें एक मेडिकेट इफेक्ट देखने के लिए मिलने वाला है, दूसरा यहाँ पे आप लोग को स्पिरिट इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। स्पिरिट इफेक्ट मतलब कि जैसे आप लोग इस वाले बंडल को पहनकर भागने वाले हो तो इसका लुक यहाँ पे बार बार चेंज होता रहता है। एंड गाइस टोरंडो की थीम पर इसका एनिमेशन देखने के लिए भी लग रहा है, तो जब तक नेक्स्ट अपडेट आएगा तब तक तो ऐसा एनिमेशन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, बाद में इसका गेम से रिमूव कर दिया जाएगा। बट बंडल लुक वाइज आप लोग को काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे विजुअल इफेक्ट भी आप लोग को अच्छे खासे दिए जाने वाला है, साथ ही आप लोग को इसका फीमेल वाला बंडल भी काफी कमाल का यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। एंड देखो गाइस इसमें भी आप लोग को अच्छा खासा एनिमेशन नजर आ रहा होगा, अगर आप लोग फीमेल कैरेक्टर का यूज करते हो भाई आप लोगों के लिए बढ़िया होने वाला है। बाकी इसमें आप भी आप लोग को एक मैजिक इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसी थीम पर और कुछ रिवार्ड्स ऐड किए गए गेम के फाइल्स में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कार देखने के लिए मिल जाते हैं एनिमो ट्रुबो वाली, जो कि आप लोग को एट्रीब्यूट के साथ नजर आने वाली है, जिसमें गाइस आप लोग को यहाँ पे डबल डैमेज सिंगल हैंडिंग प्लस में देखने के लिए मिल जाती है, और साथ ही साथ गाइस आप लोग इसमें ड्यूरेबिलिटी सिंगल माइनस में देखने के लिए
मिलने वाली है। तो ये काफी टाइम बाद हमारे गेम में एट्रीब्यूट के साथ आप लोग के क्लेम्बोरिन की स्किन दी जा रही है, एंड एक बैकपैक की स्किन भी टोरंडो के थीम पर यानी कि एनिमो वाली आप लोग के यहाँ पे बैकपैक की स्किन दी जाने वाली है। तो ये लेवल 3 का पता नहीं बट एक ही लेवल पर दी गई है, लेवल 3 की शायद से है। तो ये जो आप लोग के स्पेशल रिवार्ड्स है नेक्स्ट टोकन भी लेने आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ रिवार्ड में चेंजेस हो सकते हैं जो कि आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर पर आने वाली 6 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को अगर इनमें से कोई भी रिवार्ड बन लिया गया, आप लोग को लैम्बोर्गिनी की स्किन लिया गया, आप लोग को बैकपैक की स्किन पसंद है, तो आप लोग हमारे इंडिया सर्वर पर नेक्स्ट टोकन भी लेने के आने का वेट कर सकते हो। 6 तारीख को हमारे इंडिया सर्वर पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में यानी कि 4 तारीख को आने वाले जो इवेंट के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस, आप लोगों को 4 तारीख को हमारे स्पेशल फेडरल इवेंट में जो हमारी न्यू स्काइविंग स्किन है वो देखने के लिए मिल सकती है। एंड भाई इसे लेने के लिए ऑब्वियसली आप लोग को नॉर्मल डायमंड से ज्यादा डायमंड देने पड़ेंगे, यानी कि आप लोग के लगभग प्रोफाइल एनिमेशन से भी ज्यादा डायमंड इस वाली स्किन को निकालने में लगने वाले हैं, क्योंकि यार ये 4 प्लेयर वाली स्काइविंग की स्किन है। तो आप लोग को यह देखने के लिए मिलेगी, एंड इसी के थीम पर और आप लोग को जैसे कि पैन की स्किन या कोई थीम रिवार्ड्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि भाई ये जो स्काइविंग की स्किन हमारे इंडिया सर्वर पर आप लोग को नेक्स्ट फेडरल इवेंट में देखने के लिए मिलने वाली है। या गाइस देखो, ये जो स्काइविंग की स्किन है कुछ सर्वर पर स्पेशली टोकन विल इवेंट में देखने के लिए मिली है। तो आप लोग को ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई फेडरल विल में देखने के लिए मिलेगी, हो सकता है टोकन विल इवेंट में डाल दी जाए, लेकिन हमारे इंडिया सर्वर के लिए सबसे ज्यादा चांसेस है फेडरल विल इवेंट के आने के। तो आप लोग वेट कर लीजिए, 4 तारीख को हमारे इंडिया सर्वर पर जो मल्टीप्लेयर वाली स्पेशल स्काइविंग की स्किन का इसका इवेंट आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि आप लोग को फेडरल विल या आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर पर टोकन विल इवेंट में देखने के लिए मिल सकता है। बाकी जैसे इस वाले स्काइविंग स्किन का इवेंट वगैरह कंफर्म हो जाएगा तो आप लोग को अपकमिंग वीडियोस में जरूर से बता दूंगा। इसके बाद में वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में यानी कि 5 तारीख को आने वाले न्यू इवेंट या आप लोग के नए प्रोफाइल एनिमेशन के बारे में, जो कि आप लोग के न्यू मल्टीप्लेयर स्काइविंग की स्किन के थीम पर ही होने वाला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का आप लोग हमारे इंडिया से पर न्यू प्रोफाइल एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा, एंड साथ ही गाइस आप लोग को यहाँ पे हमारे एक थीम रिवार्ड में साइतो की स्किन या कुछ और रिवार्ड यहाँ पे नजर आ सकता है। मतलब कि इसके थीम पर काफी सारे रिवार्ड डिजाइन किए गए, तो कोई भी एक रिवार्ड यहाँ पे डाल दिया जाएगा अगर आप लोग को फेडरल इवेंट में दिया जाता है तो। लेकिन काफी ज्यादा चांसेस है कि जो आप लोग हमारे जो स्काइविंग का स्किन के साथ वाला ये प्रोफाइल एनिमेशन है मोको स्टोरी में देखने के लिए मिलेगा, एंड इसके साथ में गाइस आप लोग को कुछ ओल्ड प्रोफाइल एनिमेशन भी रिटर्न में देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी इसका इवेंट भी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये कंफर्म है कि भाई 5 तारीख को आप लोग हमारे इंडिया से पर ये जो इवेंट है देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि आप लोग को या तो कुछ इस टाइप से फेडरल इवेंट में देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर आप लोग को इस टाइप से फेडरल इवेंट में देखने के लिए नहीं भी मिलता है तो आप लोग को चांसेस है कि भाई मोको स्टोरी में दिया जाने वाला, जिसमें आप लोग को हमारे 7th एनिवर्सरी स्पेशल प्रोफाइल एनिमेशन से साथ ही 5th एनिवर्सरी या 6th एनिवर्सरी के प्रोफाइल एनिमेशन रिटर्न में दिए जाएंगे। अभी गाइस मोको स्टोर इवेंट वगैरह या इसका इवेंट कंफर्म नहीं हुआ है, 5 तारीख को आप लोग को ये जो प्रोफाइल एनिमेशन है स्पेशल इवेंट में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप लोग को फेडरल या मोको स्टोर इवेंट में दिया जाएगा। तो आप लोग वेट कर लीजिए, इस इवेंट के कंफर्मेशन होते ही मैं आप लोग को इसका भी बता दूंगा कौन से इवेंट में आप लोग को दिया जाने वाला है। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में यानी कि आप लोग के फ्री मैजिक क्यूब इवेंट के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे मनु भाई क्या इस बार एनिवर्सरी पे हम लोग को बिल्कुल भी फ्री में मैजिक क्यूब नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 7 तारीख यानी कि एनिवर्सरी डे के पीक डे वाले दिन काफी सारे सर्वर पर जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो लॉगिन रिवार्ड में मैजिक क्यूब 30 फ्रेगमेंट क्लेम पर निकले मिल रहे हैं, बाकी के फ्रेगमेंट कॉलबैक इवेंट से दिए जा रहे हैं। इसी तरह एक और सर्वर पर यहां पर स्पेशल मिशन दिए गए जिसमें 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट क्लेम करने के लिए दिए जा रहे हैं, यानी कि एक मैजिक क्यूब डायरेक्टली एक्सचेंज करने के लिए दिया जा रहा है। इसी तरह गाइस एक और सर्वर पर यहां पर मैजिक क्यूब से रिलेटेड इवेंट्स नजर आ रहे हैं, जिसमें गाइस बिल्कुल भी फ्री में लॉगिन रिवार्ड में 7 तारीख को मैजिक क्यूब मिलेगा। तो काफी सारे सर्वर पर अलग अलग मिशन कंप्लीट करने पर 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट या डायरेक्ट एक मैजिक क्यूब 7 तारीख को क्लेम करने के लिए मिल रहा है। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि 7 तारीख को जो आप लोग को मिस्टीरियस इवेंट देखने के लिए मिलेगा, या तो वो आप लोग का फ्री मैजिक क्यूब का फ्री इवेंट होने वाला है, या अगर आप लोगों ने इंडिया सर्वर पर कोई मिस्ट्री सर्वर या लकी व्हील जैसा डिस्काउंट इवेंट दिया जाएगा तो आप लोग वेट कर लीजिए। हो सकता है भाई इंडिया सर्वर भी आप लोग को 7th एनिवर्सरी स्पेशल मैजिक क्यूब देखने के लिए मिल जाए, या भाई आप लोग को डिस्काउंट इवेंट तो देखने के लिए मिलेगा ही। बाकी गाइस बात करें आप लोग की कुछ लकी एंड इंपॉर्टेंट कमेंट्स के बारे में जो कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस पे किए थे। तो फर्स्ट कमेंट में मयूर एडिट ने पूछा मनु भाई बनी मॉडल कब आएगा, कंफर्म डेट बताओ। तो मैं आपको बता दूं, बाहर के जिन सर पर मास्टरमाइंड बनी मॉडल पहले ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है, उन पे नए रिवार्ड्स के साथ फिर से रिटर्न में दिया जाएगा, और उसके कुछ ही दिनों बाद हमारे इंडिया सर्वर भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग दिवाली इवेंट तक लगा के चल सकते हो। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे दिव्या कीर्ति महापुत्र ने किया मनु भाई इस बार डबल डायमंड या लेसेस मोर का टॉप इवेंट आएगा क्या। तो गाइस देखो चांसेस कम है, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं यूरोप सिंगापुर एंड बांग्लादेश एंड इंडिया चारों सर्वर पर सेम इवेंट चलते हैं, और यूरोप सर्वर पर लेसेस मोर रमदान स्पेशल टॉप इवेंट लगभग 1 साल का दिया गया, तो अभी काफी सारे दिनों तक और रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि भाई अभी इतनी जल्दी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, फिर भी कुछ कन्फर्मेशन होगा तो आप लोग को बताऊंगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे गजेंद्र करदिया ने किया है भाई पिंक डायमंड स्टोर कब आएगा, प्लीज पिक माई कमेंट। तो मैं आप लोग को बता दूं, बाहर के कुछ सर्वर पर टाइम टू टाइम पिंक डायमंड
स्टोर को रिटर्न में दिया गया, लेकिन इंडिया सर के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन अपडेट नहीं है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे श्रवण कुमार ने किया, मनु भाई नेक्स्ट OB46 के अपडेट के मैजिक बंडल के बारे में बता दो। तो गाइस अभी कंफर्मेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप लोग वेट कर लीजिए, जैसे कुछ पता लगेगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Fearless.